बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद शहजाद, तुसीं देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल डिजिटल काओ फार्मिंग। सारिआं दोस्तां भरावां नूं मेरी तरफों अस्सलामु अलैकुम। साढ़े एक दोस्त दा सवाल सी कि असीं प्योर ब्राह्मण ब्रीड दी तरफ जाना चाहते हाँ। उस तो बाद साढ़े कोल जिहड़े बच्चे आए ने उह सानूं पुछदे ने कि प्योर ब्राह्मण यानी कि 100% ब्राह्मण आ, उन्हां भरावां वास्ते वजाहत आ। उस तो बाद उस भाई का यह पैगाम आ जिहड़े साढ़े दोस्त ने कराची तो साढ़े कोलों सवाल किया सी कि प्योर ब्राह्मण वास्ते सानूं की करना चाहिए और 100% ब्राह्मण जिहड़ा 100% जिहनूं असीं कहिंदे आ कि प्योर ब्राह्मण होवे उहदे वास्ते की तरीकाकार आ। यानी कि अगर तुसीं आम रवायती तौर पर या जिस तरह ब्राह्मण की फार्मिंग हो रही आ उहदा तरीकाकार यह आ कि कुछ दोस्त मुख्तलिफ कंपनियां दे कोलों सिमल परचेज़ करके अपनियां मादियां दे विच यानी कि साहीवाल चोलस्तानी इस तरह दियां मिक्स ब्रीड या कि प्योर साहीवाल दे विच ब्राह्मण सिमन रखवा रहे ने। उन्हां दा तरीकाकार यह कि सिमन लेंदे ने, सिमन लै के मादी 'च रखवाया, उस तो बाद जिहड़ा बच्चा पैदा होया वह परसेंटेज के हिसाब दे नाल बच्चा पैदा हुंदा है। उस तो बाद अगर तुहाडे कोल वच्छी पैदा हुई उहनूं वड्डियां कीता, साल डेढ़ साल बाद तैयार हुई, हीट दे अंदर आई, उहदे विच फिर ब्राह्मण सिमन रखवाया, फिर अग्गों यानी कि तीसरी ब्रीड ते जा के यानी कि वह तुहानू पहले साल तो लग के कुछ 5-6-7 साल का अरसा लगता है तुसीं प्योर ब्राह्मण ब्रीड की तरह जाण वास्ते। उस तो बाद साढ़े को दोस्त ने सवाल किया कि सानू शार्ट टाइम के असी अगर ब्राह्मण ब्रीड पर जाना हो ब्राह्मण प्योर बच्चे लैने होण कितों मिलणगे, उहदा तरीकाकार की होएगा। अगर तुसीं प्योर ब्राह्मण बच्चे लेंदे हो उहदा क्योंकि कीमतां मार्केट के 100% ब्राह्मण बच्चे जिस टाइम आउंदे ने उहनां दीआं कीमतां कोई भी बच्चा ऐसा नहीं जी 15 लाख तो 20 लाख तो थले उहदी कीमत होवे, क्योंकि क्रास बच्चे जिहड़े ने खूबसूरत बच्चे ने उह मार्केट दे विच 5-7 लाख दा, 4 लाख दा, 10 लाख दा आराम नाल विक रहा है, शौक दे हिसाब नाल लोग लै रहे ने। उहनां वास्ते बेहतरीन आप्शन इह आ कि उह एम्ब्रियो जिहड़ा है उह अपणियां मादियां लैण, 10 मादियां जिहड़ियां उह सिलैक्ट करनियां जरूरी हुंदियां ने। यानी कि कंपनियां ने मुख्तलिफ कंपनियां अल हवान कंपनी है उन्हां दी रिक्वायरमेंट दे मुताबिक यह आ कि जिस तरह तुसीं गाईं वीडियो दे विच देख रहे हो इस तरह दियां क्रास ब्रीड दियां जिहड़ियां मतलब कि फ्रीजियन टाइप गाईयां होण जिहड़ियां 1-2-3 सूए सू चुकियां होण उस तरह दियां 10 मादियां सानूं दिओ। 10 मादियां दे विच असीं एम्ब्रियो रखांगे। एम्ब्रियो कुछ दोस्त कुछ भाइयों नूं पता है कि एम्ब्रियो की चीज़ आ, मैं वजाहत करदा थोड़ी जी। एम्ब्रियो वो चीज़ आ यानी कि वच्छा भी बाहर दे मुलक आ, गाय भी बाहर दे मुलक आ, ब्राह्मण उन्हां दे विच्चों उन्हां नूं क्रास करा के जिहड़ा मवाद लिया जांदा है यानी कि 5-6-7 दिन का छोटा बच्चा लोथड़ा लिया जांदा है वह अगे इन्हां गाइयां दे अंदर शिफ्ट कर दिंदे ने, उहनूं एम्ब्रियो दा नां दिता गया है। जे अगर असीं प्योर ब्राह्मण ब्रीड ते पहुँचना है यानी कि असीं कहिंदे आ कि साल बाद साढ़े कोल प्योर ब्राह्मण ब्रीड आ जाए उहदा तरीकाकार यह है कि वह इन्हां कंपनियां दे कोलों असीं एम्ब्रियो लै के इन्हां दीआं अपणीआं इस तरह दीआं मादियां दे विच रखाईए ताकि साढ़े कोल साल दे बाद प्योर ब्राह्मण आ जाए। उहदा तरीकाकार यह है कि कंपनी वाले जिहड़े बंदे ने अल हवान कंपनी वाले उन्हां नाल राबता कीता, 1,75,000 रुपए एक गाई की उहनां दा टोटल कास्ट आ खर्चा है यानी कि जिस टाइम गाई प्रैगनेंट होती उहदे विच यह आ कि उन्होंने गाय नूं प्रोटोकॉल तुहाडे कोल 10 गाइयां उन्होंने फार्म ते मौजूद लैनियां ने, 10 गाइयां फार्म ते आ के उन्होंने चैक करनियां ने अंदरों साफ ने की तरीकाकार आ। तुहाडे कोल 10 गाइयां जिस टाइम होईयां क्रास ब्रीड दियां साहीवाल या चोलस्तानी, ये गाइयां खुश हो के नहीं लेंदे क्योंकि इन्हां दे कंसैप्शन रेट जिहड़े आ गब्बण होण दे चांस जिहड़े आ उह घट हुंदे यानी कि 50% हुंदे ने। मतबादल उहदे आ जिहड़ियां गाइयां फ्रीजियन क्रास दे विच हुंदियां ने, ये गाइयां कंसैप्शन रेट इन्हां दे ज़्यादा हुंदे ने, गब्बण रहण दे चांस ज़्यादा हुंदे ने, उस तो बाद इन्हां दा हीट दा टाइम पीरियड जिहड़ा हुंदा है उह ज़्यादा हुंदा है। दूसरे नंबर ते इन्हां दे विच सानूं रखाउण दा फायदा यह आ कि जिहड़ा इह दुध दिंदियां ने दुध बच्चे दी पहुँच तों वी यानी कि वाफर हुंदा है। आम गाई जिहड़ी आ साहीवाल उह 6-7 लीटर दुध दिंदी है, इह जिहड़ियां गाईआं ने 15-20 लीटर दुध आसानी नाल दे लैंदियां। अगर असीं ब्राह्मण बच्चा प्योर लै लैंदे आ 15-20 लीटर जिहड़ा बच्चा दुध पी रहा उहदी ग्रोथ वी पता तुहानूं की होएगी, सारियां चीज़ां जिहड़ियां सानूं उहदे हिसाब दे नाल पूरियां मिलणगियां। उस वास्ते कंपनी दी इह रिक्वायरमेंट है कि क्रास ब्रीड लो। क्रास ब्रीड लैण दे सानूं नुकसान कोई नहीं, फायदे ने, नुकसान इस वजह तो नहीं क्योंकि प्योर मादी भी उह ब्राह्मण नर भी उह उहनां दोवां दा जिहड़ा कंपीनेशन आ उहनूं एम्ब्रियो दा नां दित्ता गया, उह एम्ब्रियो साडी गाईं दे विच रख गया। इह गाईं जिहड़ी है सिर्फ बच्चा पालण वास्ते इस्तेमाल होनी है यानी कि इन्हें 9 महीने तो बाद बच्चा पैदा कर देना है, बच्चा पैदा करके
असी इनू जिहड़ा इहदी फिटिंग करवाउणी आ। मादी दा किसे किस्म दा इहदे विच कोई किसे किस्म दे वी 1% वी नहीं होणी। इस वास्ते अगर तुसीं प्योर ब्राह्मण ब्रीड ते पहुँचना चाहुंदे हो इन्हां चीज़ां दा ध्यान रखो। उस तों बाद बहुत सारे दोस्त ऐसे ने जिहड़ा शौक करना चाहुंदे ने लेकिन उन्हां दे कोल 10 गाइयां दी कपैसिटी नहीं हुंदी, यानी कि वह एट अ टाइम 10 गाइयां ये आम मार्केट दे विचों लख तो लख के 1.5-1.5 तक गां मिलदी आ आसानी नाल, जिहड़ी दूसरे तीसरे सूए होवे कद बहुत नसल दे विच चंगी होवे। जिहड़े भाई ये चीज़ नूं एक्सैप्ट करना चाहते हैं कि असी प्योर ब्राह्मण की तरफ जाना है, उन्हां दा तरीकाकार असी इस तरह बनाया कि अगर कोई दोस्त मिलते ने, यानी कि कोई एक एक दो दो गाई या 3 गाइयां कोई लै लवे, कोई 5 गाइयां लै लवे, इस तरह करके 10-10 गाई के 2 ग्रुप बनाए जाण या 1 ग्रुप बनाया जाए। अगर इस कोई इस काम दे विच इस बिजनेस दे विच शौक दे विच इंटरस्ट आ रखदा है तो वह साडे नाल भी राबता कर सकदा। उस तो बाद ग्रुप दे विच जिहड़े लोग साडे ऐड ने ग्रुप दे विच ऐड करन, जिहड़े जिहड़े इलाकियां दे विच लोग फार्मिंग कर रहे आ, दोस्त फार्मिंग कर रहे आ, उन्हां इलाकियां दे विच असीं उन्हां नूं दसांगे कि इस इस जगह ते इह सैटअप है आ, वह इस तरीके दे नाल इस काम नूं जिहड़ा है वह परवान चढ़ा रहे आ। ते इंशाल्लाह ताला कोशिश यह की कि जिहड़े उस साडे दोस्त दा भाई दा सवाल सी उहनूं असीं क्लीयर करिए, क्योंकि कराची दे विच ऐसे दोस्त ने जिहड़े फार्मिंग करना चाहते ने लेकिन उहनां दे कोल इनवैसटमेंट थोड़ी है, जां छोटे तो स्टार्ट लैना चाहते आ, वह इन इलाकों के अंदर आ के अपने इलाकों के आ के इनवैसट नहीं कर सकते। उन्होंने उन्होंने इलाकों के अंदर जोड़े बंदे फार्मर ने या जोड़े इस तरह का मुश्तरका काम कर रहे हैं उन्होंने असं उन्होंने तारफ करावे, अग्यों जा के उन्होंने कोल उन्होंने फार्म से उन्होंने मिलन वरतन वो अपने तौर पर रिसर्च कर, अगर वह बंदे अच्छे लगते हैं तो दिल मुतमिन हों उन्होंने इस शौक न पूरा कर सकते हो। तो उम्मीद करदा इंशाल्लाह ताला वीडियो भरावों अच्छी लगी होएगी। अगर वीडियो के अंदर कोई किसी किस्म का सवाल जिहड़ा मैं ना क्लीयर कर सकया होवां जां दोस्तों नूं चाहिए होवे वो वट्सएप का नंबर उत्ते चाह रहा राबता कर सकता। मिलांगे अगली वीडियो के सारे दोस्तों भरावों मेरी तरफों असलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।